आप लोग भाई आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 24 आवर इन कार विद बसंती। भाई हमारी कार के अंदर मौजूद है हमारी प्यारी सी बसंती, इसके साथ हमारा प्यारा सा जैद। ओए उसामा कहाँ है? अबे उसामा, अबे सो गया था क्या? अबे भाई नींद आ गई यार, तुमने किस बात की सजा दे रहे हो? अबे अभी कहाँ से नींद आ गई, अभी तो हमें 24 आवर गुजारने हैं इस कार के अंदर। हाँ भाई जैद तैयार हो तुम? क्या तुम पागल पागल हो गए? क्यों पागल वगैरह की क्या बात है, गुजारेंगे ना, मजा आएगा, बसंती को प्यार व्यार करेंगे, फुल मजे करेंगे यार। वैसे आपस की बात है, आज कराची का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है, पीछे आसमान जो है ना ब्लू ब्लू हो रहा है और चारों तरफ से बादल ये चेक करो घेर रहे हैं कराची को, लेकिन हम लोग को रहना है गाड़ी के अंदर यार, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर बारिश हो गई ना आपके भाई से रहा नहीं जाएगा यार। फिर भाई हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है अभी, और उसामा भाई रूल सुन लो। देखो अगर वॉशरूम तुम्हें आया ना तो 3 मिनट के लिए तुम लोग जा सकते हो, अगर तुम्हें कब्ज हो, पिशी हो, मोशन हो, कुछ भी हो, सिर्फ 3 मिनट का टाइम होगा, टाइम स्टार्ट होगा और 3 मिनट के अंदर अंदर वापस आना है। सही है भाई? अबे 3 मिनट में तो धोई भी नहीं जाएगी, कैसे आएंगे वापस? कौन भाई वो तुम्हारा काम है 3 मिनट के अंदर पूरा करना है, बाकी एक और टाइम जो हमारा होगा वो नमाज का होगा, 5 वक्त जो नमाज होगी ना वो हम लोग उसके लिए जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो हमारा वक्फा होगा। सही है भाई? गाय का चारा खाएंगे, भूख से मरेंगे हम। अबे भाई गाय का चारा नहीं खाएंगे, गाय अपना चारा खाएगी, हम अपना चारा खाएंगे। सही है, तुम क्या खाओगे? बिरयानी खाओगे? क्या खाओगे? छोले पटाले। छोले पटाले जो भी होगा गाड़ी के अंदर ही आएगा। सही है, यही खाना पड़ेगा। भाई लाइन से सारे के सारे दुम में नजर आ रहे हैं, जैद क्या बोल रहे हो तुम? इसका मालिक है, इसे हम अपनी गाड़ी से मार लेंगे, इसके सारे दुम्बे लेके चले जाएंगे। अबे बोल रहा है इसके मालिक को हम गाड़ी से मार देंगे और सारे दुम्बे लेके चले जाएंगे। अरे भाई इतने सारे दुम्बे आएंगे कैसे गाड़ी में, तुम्हारे सर पे रखेंगे क्या? अबे देखो मालिक देख रहा है, मारेगा, डंडा भी है उसके पास। जैद बड़ी पैंट करना छुपा लो। उस्ताद इसको लग रहा है मैं पसंद आ गया हूँ, फुल ना मुझे अदाएं दिखाए दिखा के आंखें मार रहा है उस्ताद। भाईजान एक दुम्बा दे दोगे? एक दुम्बा दे दो यार, देखो हम लोग गाय भी लेके जा रहे हैं ना, दुम्बा भी साथ रख लेंगे, शादी करा देंगे, एक अलग नस्ल पैदा हो जाएगी बिल्कुल। कितने का दोगे? 50 रुपए 50 रुपए निकालो यार, जल्दी दो फटाफट इसको, लाओ दो दुम्बा ये वाला 50 रुपए का दे दो। ला यार दे यार, अबे हंस क्यों रहा है? अबे ये ले 100 रुपए ले यार। चल 100 रुपए ले यार, दुम्बा 10 रुपए ले यार। चल यार दे यार 100 रुपए में दे दे दुम्बा। दे यार, हंस रहा है यार, हंस रहा है, डस रहा है यार। उस्ताद ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बंदा जेल में आ गया यार, मतलब बाहर निकल ही नहीं सकता, बस गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो और ऐसी शक्लें देखते रहो, अजीब अजीब शक्लें। मैं तो फेरल डब्बी लगा कर आया हूँ घर से आज। हाँ फिर भी मनहूस लग रहे हो। जैद हम लोग ना 24 घंटे गाड़ी में रहेंगे, अब नहीं निकल सकते हम लोग, भले आपको पिशी विशी भी आए ना गाड़ी के अंदर ही कर देना। सही है, बल्कि आपको एक काम करते हैं, पैंपर बना देते ना हम लोग। बड़ा पैंपर भी आता है ना, बड़ा पैंपर तुम्हें बना देंगे। चलो भाई हम लोग आ चुके हैं बसंती का पैंपर लेने, क्योंकि हमारी गाड़ी में अगर बसंती को हमने पैंपर नहीं बनाया तो पूरी गाड़ी में बदबू और पेशाब पोटी इतनी ज्यादा भर जाएगी ना। तो सामा भाई मिल जाएगा गाय का पैंपर? पैंपर तो मिल जाएगा, लेकिन बदबू क्यों भर जाएगी, गोबर तो आहा। लेकिन मैंने आपको बताया ना यार, गीला जो गोबर होता है ना उसकी बदबू होती है, जब सूखता है ना उसके बाद खुशबू आती है। अच्छा फिर ठीक है, ले लेते हैं फिर पैंपर। चलो यार पैंपर लेने चलते हैं फटाफट, दुकान वाला भी बोलेगा क्या लेने आ गए, गाय का पैंपर कौन देता है। सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो यार? गाय को पहनाने के लिए पैंपर चाहिए कि मतलब पॉटी पिशी करे ना गोबर शोबर तो वो अंदर गाड़ी में लीक ना हो, समझ रहे हो उस्ताद? ये गाय को पहनाने का है। अबे ये गाय को पहनाने का नहीं है भाई, ये चेक करें, ये हमारी बसंती के लिए पैंपर आ चुका है। कितने का है भाई ये? 135 रुपए। एक मिनट चेक। 135 का है यार, बड़ा महंगा पैंपर है भाई। ये चेक करें, माशाल्लाह फुल लार्ज साइज का पैंपर है, बसंती को पहनाने वाला, XL है ये। यार आपका भाई तो एक्सपीरियंस बंदा है भाई, अपनी बेटी को पैंपर पहनाता रहता है, तो बसंती को भी पैंपर पहना देंगे यार। ये लो भाई बसंती के पैंपर के पैसे हो गए भाई। माशाल्लाह से भरपूर किस्म का इंतजाम हो चुका है, ये चेक करें, पैंपर आ चुका है, ये गाय का चारा, चोकर, अट्टी वट्टी, दलिया वलिया सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। तो आज जो है ना हमारी तैयारी पूरी है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम कितने घंटे सरवाइव कर सकते हैं। यार कराची का मौसम इतना प्यारा हो रहा है यार, ये चेक करो बादल इतने प्यारे प्यारे, लेकिन हम लोग गाड़ी में कैद हो चुके हैं यार, बाहर निकलने का दिल चाह रहा है मेरे को। डेट पे जाना था यार, आज इतना हसीन मौसम था यार, तुम्हारी वजह से डेट कैंसिल हो गई। अभी तो मेरे साथ डेट मार लेना। अबे भाई लड़के लड़कों में कौन सी डेट, खैर है यार लड़के लड़कों की मारते हैं, मेरे तुम्हारे जैसे शौक नहीं है भाई। यार हमारा टाइम 11 बजे स्टार्ट हुआ था और अभी जो है ना ये हो रहे हैं 11:25 हो रहे हैं भाई। यार किडनैप नहीं किया यार, सिर्फ 25 मिनट गुजरे जैद, यार कैसे टाइम गुजरेगा 24 घंटे। और जैद तुमने अगर गैस वैस मार दी, पात वात मार दी, फिर क्या करेंगे हम लोग, गाड़ी के अंदर मर जाएंगे तुम्हारी पात से। हाँ जैद पात वात नहीं मारना भाई। सही है ना, ऐसा ना हो तुम पात मार दो फिर जो है ना हम लोग मर जाएंगे। यार जैद आज पूरा दिन हमें गाड़ी में रहना है ना, तो एक काम करते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं यार।
आज तो मतलब ना 10-12 हजार का पेट्रोल खर्च होना है हमारा, क्योंकि हमें पूरा दिन गाड़ी में रहना है। पेट्रोल वाला भी उड़ेगा, गाय का अच्छा कौन पाता है? 2000 का बोला, 2000 का पेट्रोल डाल। टाइम नहीं है जल्दी करना। बोले टाइम नहीं है जल्दी करना। मावा क्यों खाते है? अच्छी अच्छी। बोले मावा क्यों खाता है? अच्छी अच्छी चीजें खाया करो। भाई माशाल्लाह हमारी बसंती आराम से, अभी ना बसंती के लिए हम जरा जगह बनाते हैं, इसको पेम्पर वेम्पर बनाते हैं और जगह बना के ना आराम से इसको बिठा देते हैं ताकि सुकून से बैठी रहे। चलो भाई अपनी बसंती को हम पेम्पर बनाते हैं फटाफट, इससे पहले पॉटी पिशी कर दे। माशाल्लाह भाई बसंती को पेम्पर बना दिया फुल, अब जो भी गोबर से वोर होगा ना इसके अंदर जाएगा सारा का सारा। अबे यार ये 24 घंटे जो है ना बंदा गाय के साथ गुजार लेगा, लेकिन इसके साथ जैद के साथ गुजारना बड़ा मुश्किल है यार, इतना पकार है मेरा ये वाला कान सुन हो चुका है भाई। अबे हल्का बोल भाई, क्या हो गया? मैं तुझे निकाल दूंगा गाड़ी से, पहले बता रहा हूँ। अबे मुझे क्यों निकालेगा भाई, अबे मेरे गला को मत दबा, मैं कभी गाड़ी ठोक दूंगा, अबे हाइरू वाली ठोक दूंगा मैं। बहुत गुस्सा भी कर रहा है यार। यार जैद बादल देखो यार, कितने खतरनाक बादल आ रहे हैं सामने। पता है कराची में बारिश होने वाली है, हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे बारिश हो जाएगी। पता है जैद आज ना तुम मेरे पांव भी दबाओगे सही है, सर भी दबाओगे, गाड़ी के अंदर ना मेरी खिदमत करोगे तुम सही से, गला भी दबा दो जैद। गाड़ी के अंदर कौन दबाते? नहीं गाड़ी में दबाने का अलग मजा आता है यार। अबे भाई दबा रहा है, अच्छा बच्चा यार। बच्चे को तुम क्या क्या करवा रहे हो? अपनी बीवी से दबाना, मुझसे को दबाएगा? अबे तो बीवी नहीं दबाती ना, तुमसे ही दबाऊंगा ना मैं। चलो यार जैद मैं थक गया यार गाड़ी चला चला के, मैं पीछे तुम्हारे साथ आ रहा हूँ यार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हमारी बसंती भी हमारे साथ चैलेंज में शामिल है, फुल 24 आवर पूरे करने है बसंती, सही है ना यार? थकोगी तो नहीं ना? थको तो बता देना सही, आवाज निकाल देना, मुझे समझ आ जाएगा तुम थक गई हो। देखो भाई जैद भी प्यार कर रहे हैं, जैद तुम्हें प्यारी लगी ना बसंती, तो तुम शादी कर लो इससे। करनी तो है, शादी करनी है तुम्हें? मन नहीं है जाना, करने तो बाद में कर लो, मन जाएगा तो अभी। अबे तो तुम गाय से कैसे शादी करोगे? इंसान की शादी इंसान से होती है भाई, क्या हो गया तुम्हें? मुझे ये भी पता नहीं, गाय से भी शादी कर लेते कोई इंसान। तो तुम्हारी गाय से शादी करा दूं? हाँ। बस सही है, मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा। इतनी सड़ी भी अस्सी गाय के ऐसे चेंज करो ना, कब करोगे गाय की? रस्सी नहीं है, अपनी शलवार का नारा डाल दिया, इतना कंजूस है गाय की रस्सी नहीं ले रहा है। तुम भी गायों का भाई, मैं एक काम करता हूँ ना, तुम्हें भी नाड़ा बना देता हूँ, या तुम्हारे गले में रस्सी बांधता हूँ, यहाँ से तुम्हें बांध दूंगा, सही है? अबे ऐसा तो नहीं करो, इसका भाई मेरी शादी भी नहीं है तो मैं मचूंगा। अबे तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी है, सिर्फ शादी करनी है तुम्हें? इतने छोटे से हो तुम्हारी तो मतलब तुम खड़े भी नहीं हो सकते सही से प्रॉपर तरीके से। फिर मैं शादी नहीं कर ला, सुनो तुम्हें तो इससे जीवा कट गया था, कौन किया जीवा? अरे मैंने जीवा नहीं किया था, मैंने प्रैंक किया था आवाम के साथ, वो ऐसी ना ऐसी दिखाया था हमने जीवा, जीवा उसको नहीं करेंगे तुम्हें करेंगे। कैसे फाक किया? अबे यार इतने सारे घंटे कैसे गुजरेंगे यार? अबे जैद, अबे पाक मार दी तुमने, इतनी गंदी बदबू आ रही है। अबे जैद ये क्या कर दिया तुमने? अबे जैद इतनी गंदी पाक मारी है फुल, मतलब मूली नहीं खाता बंदा, मूली के बाद जो बदबू आती है वो वाली बदबू आ रही है। भाई हम लोग 2 घंटे से गाड़ी में और फुल जो है ना आपके भाई के पसीने से हालत खराब है, क्योंकि एसी भी ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जैद कैसे गुजरे ये 2 घंटे तुम्हारे? तुम्हें तो पसीने आते हो, तो कोई पसीने नहीं आ रहे। 1:02 बच रहे हैं भाई और फुल जो है ना हमारी हालत खराब हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 घंटे गुजरे, हमें 22 घंटे और गुजारने हैं यार। भाई आपके भाई को तो नींद आने लग गई टाइट वाली यार। हट यार मैं सो रहा हूँ इधर, तकिया दो यार। जैद मुझे उठाना नहीं सही है, और दोबारा पाद नहीं मारना तुम यार। शीशा खोलो सामा, शीशा खोल यार, बस टांगे बाहर जाएंगे ना, हवा बाहर की लग रही है उस्ताद, बाहर रोड चल रहा है, ऐसा ना हो कि गाड़ी मेरी टांग लेती हुई चली जाए। वैसे यार बंदा जो है ना मतलब जिंदगी गुजार सकता है गाड़ी में, आपके भाई ने आज तजर्बा किया, मतलब सोने की जगह भी है, तकिया शकिया भी है, आराम से बंदा जिंदगी गुजार सकता है घर बार ना। तो आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, हम पागलों की तरह बैठे हुए। अभी तो तुम सीट पीछे कर लो ना ये वाली। अरे तो भाई कितनी पीछे करूं, ये तुम्हारी सीट ही खराब है साली, ना पीछे होती है ना खराब नहीं है। जैद बैठा हुआ पीछे, ये होने नहीं दे रहा, ये धक्का दे रहा है, ये देखो धक्का दिया हुआ है। शादी नहीं हो रही है, सर मार रहा है अपना। अबे भाई करवा देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए शादी करवा देंगे, क्यों इतनी बेचैनी है? अबे अच्छा 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 करवा देंगे। अबे इतना छोटा है तू शादी करेगा क्या करेगा? अच्छा तुम शादी की रात क्या करोगे? बीवियों को जान से मारूंगा। सोना मेरे सामने ही सो। नहीं सो रहा ना मैं, मेरी मर्जी नहीं सो रहा, मैं लेटा हूँ सिर्फ। सोऊंगा नहीं तुम्हें जान से मारूंगा। अच्छा हर एक को जान से मार दोगे, अपनी बीवी को भी जान से मारोगे, मुझे भी जान से मारोगे। अच्छा जैद एक बात बताओ, वैसे तुम्हें मतलब कैसी लड़की पसंद है शादी के लिए? मुझे तो पिंक गाय पसंद है। यार गाय से कौन शादी करता है, लड़की मैं कह रहा हूँ, इंसान में कैसी पसंद है, कैसी लड़की से शादी करोगे तुम? मुझे बूढ़ी पिंक चाहिए। बूढ़ी
मुझे भी भजन पिंगे भाजन तो काले हैं पूरे पूरे क्या हो गया मुझे हटके उसे निकलनी है भाजन से शादी करनी है भाजन से शादी करोगे भाई तुम पिंक लग रहे हो इसको तुमसे शादी करेंगे यार वैसे आपस की बात है सरवाइव करना बहुत ज्यादा आसान था लेकिन ये जैद को जो हम लेकर आ गए ना यार इसने मतलब पका के कान ना आपके भाई का सुन हो चुका है इतना बोले जा रहा है मैं सो रहा था ना उस वक्त भी बोल रहा है मतलब एक सेकंड चुप नहीं रह रहा अभी मैंने उसको किस तरह चुप कराया मैंने कहा एक शॉट लेने दे तेरी बुराई कर रहा हूँ तेरी बुराई होने दे बस भाई कौन सा सेल डल गया इसके अंदर खत्म ही नहीं हो रहा है सेल अबे क्या है कान नहीं पका तेरा तुम्हारा कोई ऑफ का बटन नहीं है ऑन का बटन है सिर्फ ऑन ही रहते हो तुम अबे सोते वो तो नहीं हो तुम सो जाओ ना ताकि हम सुकून से सरवाइव तो करें 24 घंटे ओए टाइम क्या हो गया 6:09 घर पे छोड़ दो भाई अबे भाई 24 घंटे गुजारने हैं 11 बजे से स्टार्ट हुआ था अगले 11 बजे तक रहना है भूख लग रही है तो खाना खा लेते हैं ज्यादा एक बात बताओ हम लोग रात में बैठे हुए हो और अचानक से स्नैचर आ जाए डकैत आ जाए गन लेकर बोलेंगे चलो ये मोबाइल निकाल हम लोग क्या करेंगे तो चला जाएगा फिर वो ऐसा ना हमारी बसंती को लेके चला जाए फिर बस पैंट की जेब में छुपा देना गाय को सही है चलो हाँ। भाई हम लोग आ चुके हैं बिरयानी वाले के पास फटाफट यहाँ से बिरयानी फोड़ते हैं हाँ भाई बिरयानी वाले भाई अबे गाड़ी के अंदर से तो कोई सुन ही नहीं रहा भाई जान बिरयानी वाले बिरयानी है बिरयानी यार असल में हम गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते ना हम एक वीडियो बना रहे हैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे हम तो एक काम करो गाड़ी में बिरयानी लेकर आ जाओ चलो भाई हाथ धुलाने के लिए आ गया भाई शुक्रिया भाई शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बिरयानी आ चुकी है फुल माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है उसामा भाई मजा आया फ्रेश हुए मजा आ गया है जैद मजा आया अब हम लोग खिलाते हैं अपनी बसंती को चारा भाई ये सारा का सारा चारा रखा हुआ है बसंती का ये आ गया चोकर ये आ गया दलिया माशाल्लाह भाई माशाल्लाह ये आ गई अट्टी और ये है सारा का सारा भूसा चलो भाई सबसे पहले हम डालेंगे इसमें भूसा अब इसमें हम डालेंगे दलिया ये आ गया इसमें दलिया इसके बाद इसमें जाएगी अट्टी भाई ये है गाय की सबसे फेवरेट चीज चोकर बिस्मिल्लाह भाई माशाल्लाह से हमारा चारा तैयार हो चुका है अब हम लोग अपनी बसंती को खिलाते हैं भाई बसंती को खुशबू आ चुकी है फुल टाइट वाली अरे भाई साहब बसंती जो है ना हमारी फुल इसको पता चल चुका है चारा आ चुका है आ जाओ बसंती फटाफट खा लो शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह भाई आपने कभी जिंदगी में ऐसा मंजर देखा है गाड़ी में चारा खा रही है अबे ले पैंपर ही उतार दिया इसने पूरा का पूरा अब गोबर करेगी टाइट वाला यार ये चैलेंज करते हुए ना हमारी गाड़ी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है ये चेक करो यार चारा वारा पड़ा हुआ हर जगह टाइम क्या हो गया भाई 7:30 हो गए चलते हैं यार भाई 7:30 हो चुके हैं अबे भाई घर नहीं जाना रात गुजारनी है पूरी की पूरी किस बात की सजा दे रहे हो मैं तुम एक काम करो ना सो जाओ ना आराम से खाना वाना खा लिया अब सो जाओ अबे यार उसामा पेशाब आ रहा है यार यार तो एक काम करो ना बोतल लगा लो अबे पागल है क्या बोतल कौन लगाता है भाई 3 मिनट वाला ढोल है ना मैं जाता हूँ 3 मिनट के अंदर आता हूँ सही है 3 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए वरना चैलेंज हार जाओगे सही है कितने मिनट हो रहे हैं अभी हो रहे हैं 7:31 मुझे कितने बजे आना है 32, 33, 34 पे आऊंगा मैं भाई इतनी देर बाद गाड़ी से निकला हूँ मैं अरे भाई साहब अलग ही मजा आ रहा है वैसे आपस की बात है आपके भाई को ना कोई पेशाब वेशाब नहीं आ रहा आपका भाई सिर्फ बाहर निकलने के लिए आया है क्योंकि यार फ्रेश तो हो सके गाड़ी में बैठ बैठ के ना थक गया यार यार फुल आजाद आजाद फील हो रहा है यार मजा आ रहा है मतलब आसमान वासमान दिख रहा है फुल खुला खुला लग रहा है यार गाड़ी हमारी वो खड़ी हुई है इनको पता भी नहीं है मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ आराम से थोड़ी जॉगिंग कर लेते हैं यार यार अगर गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा वाकई में पेशाब आ गया फिर मैं क्या करूंगा फिर तो ये लोग जाने भी नहीं देंगे मुझे अरे उसका टाइम हो गया फटाफट फटाफट ऐसा ना हो मैं चैलेंज से हार जाऊं आ गया भाई टाइम पे आ गया क्या टाइम हो रहा है 7:35 भाई मैं तो नमाज वमाज पढ़ के आ गया सही है ना आपका भाई तो फ्रेश हो गया रात हो गई है बड़ी टाइट वाली और जो है ना ये लोग तो इनका तो कुछ उठने का प्रोग्राम नहीं है देखो कैसे घोड़े गधे बेच के सो रहा है और ये इलाका भी देखें बहुत ज्यादा सुनसान है खतरनाक है और रात भी काफी ज्यादा हो गई है इसको उठाओ कैसे ये भी सो रहा है ओए तू जाग रहा है सोया नहीं तो इसको उठाता हूँ इस कात को बे भाई ओ भाई अबे मिशकात भाई क्या हो गया अबे टाइम देखो क्या हो रहा है इलाका बहुत खतरनाक ही है
सुबह हो गई, सुबह उठ जाओ, शाबाश चलो। इधर से बार बार बाइक वाला गुजर रहा है, डकैती वकैती पड़ जाएगी। वो देखो गाय भी बिचारी, चारा दिया गाय को? चारा वारा सब दे दिया भाई आपके भाई ने, आप टेंशन नहीं लो। क्या टाइम क्या हो रहा है? रात के 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे? हाँ तो सही है, चैलेंज पूरा हो जाएगा 11 बजे तक। अबे भाई मिश्कात भाई घर जाने दो यार, ऐसा नहीं करो यार, कसम से बीवी भी एक आदत घर पे। अंधेरा कितना हो गया यार? देखो बार बार इस नेचर भी घूम रहे हैं टाइट, गाय भी बिचारी खुली है, मुझे बाहर निकाल दो अल्लाह के बंदो। यार पहले चारा दे देते हैं इसको, सही है? सही है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। भाई रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं और हमारा चैलेंज तकरीबन पूरा होने वाला है, 11 बजे तक का चैलेंज है। लेकिन उसामा भाई की इतनी फट रही है ना, उसामा भाई कह रहे हैं यार इस नेचर वाला इलाका है और आस पास ना हर जगह चेक करो, अंधेरा ही अंधेरा, पीछे भी अंधेरा है हर जगह। हमारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? चैलेंज तुम्हारा, गाय तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी, मैं क्यों भी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा हूँ? भाई दोस्त को कुर्बानी देनी पड़ती है भाई, साफ सी बात है। देखो बसंती भी हमारी कुर्बानी दे रही है ना, किस तरह ना आवाज निकाल ली है, वरना बसंती कितना चीखती है। जैद तुम सोचो इतने सारे घंटे से तुम गाड़ी में हो, मतलब बाहर कहीं नहीं हो अभी तक तुम। भाई ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, तो थक ही नहीं रहा है, भी ये जाग अभी रहा। इसकी एनर्जी जा ही नहीं रही, गाय को प्यार करे जा रहा है जब से। अम्मी की याद आ रही है, याद आ रही है, बोला अम्मी की याद आ रही है, हंसते हंसते कौन बोलता है अम्मी की याद आ रही है, रोते हुए बोलो ना अम्मी की याद आ रही है। चलो आगे चल। ये देख भाई बाइक वाले जो ना यहाँ पर खड़े हैं, एक बंदा उतरा है। उसामा एक बंदा गया अंदर। स्नेचर लग रहा है। कंफर्म स्नेचर है। निकाल गाड़ी निकाल। उस्ताद इतनी फटी। दो जो है ना बनियान पहने हुए थे और शलवार पहने हुए थे। अभी हम लोग गार्ड वार्ड के पास आ चुके हैं। भाई कराची में सर्वाइविंग 24 आवर इन कार बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर रोड पे ना स्नेचर घूम रहे होते हैं। क्या बोलते हो सामा, चैलेंज खत्म करें? अबे भाई मैं तो बोल रहा हूँ कसम से, तुम्हारे को जहाँ बोलोगे मैं खाना खिलाऊंगा, खत्म कर दो बस। सही, अच्छी जगह खाना खिला दे, चैलेंज खत्म करते हैं भाई। ऑफिशियली हम लोग चैलेंज खत्म करते हैं। अब सुबह 11 बजे से 4:15 तक हमने ये चैलेंज पूरा किया है और बड़ा मजा आया। ज़ैद मजा आया चैलेंज में? भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत बड़ा एडवेंचर किया और बसंती को भी बड़ा मजा आया। तो भाई मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।